हेलो फ्रेंड, आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ONGC शेयर का टेक्निकल एनालिसिस। तो अपने यहाँ पे आप देख सकते हैं ONGC के स्टॉक में यहाँ पर हल्की फुल्की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। आज के दिन लगभग 1.5% की गिरावट के साथ स्टॉक 271 के आसपास ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो क्या यहाँ पर गिरावट कंटिन्यू हो सकती है या फिर यहाँ से कोई रिवर्सल आएगा, इस पर हम कर लेते हैं चर्चा। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देखिएगा, आपके सामने यहाँ पर जो चार्ट प्रेजेंट किया गया है, यह डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट, यहाँ पर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करते हुए आपको शो कर रही है। नीचे अगर आप देखेंगे 250 रुपये के आसपास कंसोलिडेशन दिखाई दिया था। यहां से स्टॉक के अंदर आती है तेजी और ये तेजी स्टॉक को लेकर के जाती है ऊपर। कहां तक ऊपर की तरफ गया स्टॉक, लगभग 275 के आसपास फिर गिरावट और एक रेंज यहां पर बनी हुई, जिस रेंज के अंदर स्टॉक आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिएगा, इस तरह से स्टॉक आगे बढ़ा, फिर एक बड़ी गिरावट हुई जिसने सपोर्ट जनरेट किया 250 रुपये पे। फिर यहां से तेजी आती है, लगभग 280 तक की गिरावट हुई, फिर स्टॉक ऊपर चलता है 290 रुपये तक और इसी तरह से एक बार फिर 290 पे जाने के बाद स्टॉक में होती है गिरावट। यहां से स्टॉक फिर ऊपर की तरफ चला, गिरावट हुई, फिर तेजी हुई और फाइनली एक बड़ी गिरावट होती है सिंगल डे में, जो कि इलेक्शन के रिजल्ट वाला दिन है। लेकिन फिर से स्टॉक बहुत जल्दी रिकवरी करते हुए ऊपर चलता है। फिलहाल हम देख रहे हैं 280 के आसपास जाने के बाद स्टॉक जो यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था और अचानक यहाँ पर हमें अब गिरावट देखने को मिल रही है। यदि ये गिरावट कंटिन्यू रहती है तो बहुत जल्दी आपको स्टॉक नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। एक बार फिर से 250 रुपये तक की गिरावट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आपको अलर्ट रहना चाहिए। फिलहाल आपको कोई भी फ्रेश एंट्री यहाँ पर नहीं करना है। यदि आपने होल्ड किया है तो होल्डिंग के लिए जो डेड लाइन है वो यहाँ पर आपको रखना होगी 265 रुपये की। 265 के नीचे स्टॉक जाता है तो आपको किसी भी कंडीशन में यहाँ से एग्जिट कर जाना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर मैं आपको कहूँगा, यहाँ पर फ्रेश एंट्री आपको नहीं लेना है। होल्डिंग यदि करना है 265 आपका स्टॉप लॉस रहेगा और यदि 250 तक स्टॉक गिर जाता है और कोई रिवर्सल दिखता है उस समय यहाँ पर फ्रेश एंट्री ली जा सकती है। और क्या टारगेट स्टॉप लॉस रहेंगे उसके बारे में हम बाद में नए वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो फ्रेंड ये था हमारा टेक्निकल व्यू ONGC शेयर को लेकर के। इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।